गाइज अभी रात के बज रहे हैं 11, और अभी जैसे ही हम अपना यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो देखते हैं कि 2000 सब्सक्राइबर जो है पूरा हो चुका है। तो फाइनली गाइज इट्स 2K सब्सक्राइबर ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत मजा आ रहा है गाइज, दिल से धन्यवाद गाइज, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आप लोगों का इतना प्यार मिला, बस इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। तो ये देखिए गाइज मेरे हाथ में क्या है, ये है मस्त वाला चाउमीन, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी बैठ के खा रहा है। कैसा लग रहा है जी चाउमीन? हाँ, एक नंबर लग रहा है ना। देखो सब धीरे धीरे मेरा वाला भाषा ना बोलने लगेगा। तो गाइज ये जो अभी छोटा मोटा पार्टी हो रहा है, बस पार्टी के लिए तो सिर्फ बहाना चाहिए, आपको तो पता है हमको पार्टी के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। ये जो पार्टी और आपको पता ही, हमारे 2000 सब्सक्राइबर जो हैं पूरे हो चुके हैं यूट्यूब पे। आओ गाइज इसी खुशी में थोड़ा सा नाच लेते हैं। आ जाओ जी डांस करो, आ जाओ, उठो उठो उठो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज गाइस जितिया का पर्व है, पूजा कर रही है मम्मी, तो शाम में ही पूजा होता है, 3 दिन का होता है जितिया। जितना जितिया किसके लिए होता है? जितिया बच्चा के लिए, संतान के लिए होता है। कल फिर हम लोग सुबह खाएंगे और सुबह फिर मम्मी का भी फास्टिंग टूटेगा, तो पूजा को अब कंटिन्यू करते हैं। हम खा रहे हैं जितिया का प्रसाद, तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है, और सबके घर में बनता भी होगा। कद्दू की सब्जी, गोभी की सब्जी, कांदा की सब्जी, साग, ये झिंगनी की सब्जी, और ये है कलाई का दाल, बैंगन भाजी, पकौड़ा, पापड़। तो गाइज अभी हम इतना कुछ खाने वाले हैं। तो गाइज अभी हम आए हुए हैं आर्यावर्त समाचार के ऑफिस में, और अभी मेरे साथ है रजनीकांत भैया, सागर भैया हैं, और देखो वहाँ पे कुणाल है, और बाकी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी मुझे बुलाया गया, यहाँ पे लॉन्चिंग है एक पेपर का जो आपके बिहार शरीफ में बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। आप देख सकते हैं आर्यावर्त समाचार के नाम से ये पेपर है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मुझे पेपर छूने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। समाचार की बात करें गाइस, तो समाचार एकदम चुनिंदा चुनिंदा है, जो कि आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और लोकल पेपर में मिलेगा। फिलहाल तो ये पेपर आपको बिहार शरीफ में मिलेगा, और धीरे धीरे रजनीकांत भैया का पूरा प्रयास है कि पूरे बिहार में इसको लॉन्च करने का। थोड़ा बहुत इसके बारे में रजनीकांत भैया से भी जानते हैं, तो बताइए कुछ पेपर के बारे में। पहले तो पूरे नालंदा जिला के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के प्रयास से जो है ये अखबार आज जो है मूर्त रूप ले चुका है बिहार शिव में, आज लॉन्च हुआ है, और बहुत ही इनोवेशंस के साथ जो यंग लोगों की टीम है उन लोगों के प्रयास से, मोटिवेशन से इसको शुरू किया गया है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो USP होगी, हम लोग मोटिवेशनल या पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो भी न्यूज़ होगा सकारात्मक पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ठीक पीछे सागर है, छोटा भाई की तरह है, मगर इनको बिहार झारखंड का हम लोगों ने प्रभार सौंपा है, तो इनका प्रयास है कि हर महीने एक जिले को हम लोग टच करेंगे और उसको, उस जिले को इस्टेब्लिश करेंगे। तो धीरे धीरे पूरे बिहार स्तर और झारखंड स्तर पर सभी जगह जो है हम लोग इसको पेपर को स्थापित करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, ये आर्यावर्त जो नाम है यही स्वाभिमान है पूरे भारत का, तो इस अखंड भारत की जो बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसकी एक ये विचार है और एक सोच है। तो ये अखबार आप लोगों का है, जो जनता कहेगी हम लोग उसी मुद्दे की बात करेंगे। सही बात है, तो आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए। तो गाइस कल पटना वाला एयरटेल ऑफिस गए हुए थे, वहाँ पे मेरा काम नहीं हो पाया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, बट अभी बिहार शरीफ वाले एयरटेल ऑफिस में है तो यहाँ पे मेरा काम हो रहा है, और देखो क्या होता है। तो गाइस फाइनली मेरा काम हो गया है, मुझे एयरटेल का सिम मिल गया, और 100 रुपया लगा गाइस, और मुझे यही पता चला कि सिम जो है अचानक बंद इसीलिए हो जाता है क्योंकि वो हो जाता है करप्ट, और पता नहीं ऐसा करप्ट वाला सिस्टम कैसे है इतना अच्छा कंपनी में। तो गाइस सिम रिप्लेसमेंट के बाद भी हमको टाइम दे दिया गया कि 2.5 घंटे के बाद आप सिम लगाओगे तभी आपका सिम काम करेगा, और आप सोच रहे हो कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए, तो यहाँ पर देखिए मेरा बाइक जो है
धुल रहा है। इसको धुलवाने के बाद घर जाएंगे, फिर सिलेरियो का सर्विसिंग करवाना है। तो आज ऐसा लग रहा है कि आज सर्विसिंग डे ही रहेगा। मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे गाइस, ये क्या है हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये घर के पास गाड़ी पार्किंग करते समय ये यहाँ से निकल गया था, इसके नीचे रहता है तो यहाँ से निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया। इसको भी फिक्स करवाना है, तो फाइनली यहाँ से हम गाड़ी लेकर जाएंगे अब शोरूम और वहाँ जाके फिर सर्विसिंग कराएंगे। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, और ऐसे भी बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज लगता है कि दिन भर मेरा ना गाड़ी सर्विसिंग करवाने में ही चला जाएगा। फिलहाल तो गाइस हम शोरूम में हैं, बट यहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो गया है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप नंबर लगाते तो आज आपका हो सकता था। हम नंबर नहीं लगाए थे, बिना नंबर लगाया गए थे। हमको लगा लॉकडाउन में कौन गाड़ी सर्विसिंग करवाएगा, तो यहाँ पे सीन कुछ अलग ही। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी पूरा भरा हुआ है। हम फैसला किए कि अब नंबर नहीं लगाएंगे, अब जुगाड़ लगाएंगे कि आज ही काम हो जाए मेरा। तो गाइस फाइनली मेरा गाड़ी जो है अभी सैनिटाइज होगा, तो आपको दिखाते हैं। ये देखो इस बंदे के हाथ में है सैनिटाइज़र। फाइनली गाइस देख सकते हैं कि मेरा गाड़ी का जो काम है वो हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी टाइम है योगा का। तो अभी हम और मम्मी योगा करेंगे, और मम्मी योगा बताएंगे और साथ में हम करेंगे। तो गाइज़ मम्मी ने भी बहुत सारा योगा सिखाया और हम लोग का फाइनली योगा सेशन जो हो गया ख़त्म। तो हम यही कहना चाहेंगे गाइज़ कि आप लोग भी सुबह उठने का आदत डालें और अपने लाइफ स्टाइल में योगा ऐड करें, वर्कआउट ऐड करें। क्यों मम्मी, तो मम्मी भी बोल रही है कि सुबह उठे, वर्कआउट करे, योगा करे। तो आप लोग भी आदत डालें सुबह उठने का और अपने जीवन में वर्कआउट जरूर ऐड करें। जैसा कि कल हम बोले थे आपको कि मेरा दिन भर का जो समय रहेगा वो सर्विसिंग में ही चला जाएगा, तो वही चीज़ हुआ। काफ़ी टाइम लग गया गाइस सर्विसिंग होने में, फाइनली सर्विसिंग हो गया है और आप देख सकते हैं गाड़ी। ये गाइस ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट आया है। ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट जो है गाइस बहुत ही अच्छा होता है, तो हम सोच रहे हैं कि हर एक व्लॉग में जो जो प्रोडक्ट हम ओरिफ्लेम का यूज करते हैं उसका प्रमोशन करें। ये कंपनी एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हर एक प्रोडक्ट हम इसका यूज करते हैं। और ओरिफ्लेम की बात करें गाइस, तो ओरिफ्लेम स्वीडन की कंपनी है। देखो आप इस पर लिखा हुआ है, इसके डब्बे पे भी देखो लिखा हुआ है ओरिफ्लेम स्वीडन। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। कोशिश करेंगे कि हर एक ब्लॉग में हम ओरिफ्लेम को प्रमोट करें। और थैंक यू सो मच ओरिफ्लेम इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। और सामान आ गया है जिम का जो क्रॉसफिट से रिलेटेड है, तो आइए इसको भी अनबॉक्स करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मौसम आज बहुत बढ़िया है।
मौसम की बात कर रहे थे तो मौसम आप देखो आज मस्त वाला मौसम, तो बारिश होने का 100% संभावना है। और कुछ सवाल है जिसका जवाब देना है तो सोच रहे हैं कि दे ही देते हैं। हाय, मैं सृजन कश्यप फ्रॉम भागलपुर। मुझे KK यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि कैसा कॉलेज है एंड नालंदा बिहार से भागलपुर बस या ट्रेन से कैसे जाएंगे, प्लीज़ बताइए। तो KK यूनिवर्सिटी की बात करें तो KK यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी कॉलेज है। अगर आप कमेंट में ऐसा सवाल पूछ रहे हैं तो इस पर भी लगता है एक वीडियो बना ही डालें। बाकी तो KK यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी कॉलेज है और बिहार शरीफ से नालंदा से भागलपुर जाने के लिए आप इजीली बस से भी जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं, दोनों चीज़ चालू हो गया। दूसरा कमेंट सागर कुमार का है, मीटअप करो भाई, मैं बिहार शरीफ में ही रहता हूँ। ठीक है, मीटअप करेंगे, हम तो पहले भी कहे थे कि मीटअप करेंगे, इसके पहले वाले ब्लॉग में कहे थे कि मीटअप करेंगे। बस जैसे ही नॉर्मल डेज हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो ज़रूर मीटअप करेंगे, चिंता करने की बात नहीं। तीसरा कमेंट है गाइज, नीसू कुमारी करती है, कितना प्राइस तक बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। हम एक वीडियो डाले थे पटना का रेस्टोरेंट सोमेन 19 का, तो उसी वाले वीडियो में एक कमेंट, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो, उस वीडियो में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा रेस्टोरेंट का और आप इजीली रेस्टोरेंट वाले से पूछ सकते हो कि कितना प्राइस लगता है बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो ऊपर आई बटन दबा के।